राजधानी रांची के बीचों बीच डेली मार्केट थाना क्षेत्र के विष्णु गली स्थित मंगलम प्लाईवुड में अपराधियों ने फायरिंग की। गोलीबारी में एक व्यवसायी को गोली लगी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थानेदार आलोक कुमार सिंह ने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। प्रथम दृष्टया में लग रहा है कि अपराधियों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। टीम है सौरभ साहू, वो अपने मित्र जो ये मंगलम प्लाई के ओनर हैं उनके पास मिलने के लिए आए थे, और जब इनके अचानक बातचीत चल रही थी उसी बीच में कम से कम दो, जैसा बताया जा रहा है तीन असेलेंट भी थे, वो लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई। जो विक्टिम हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं, उनको जो दोनों इंजुरी हुई है वो उनके हाथ में हुई है, एक पंजे में और एक केहनी के पास में। ये हम लोगों के लिए भी मतलब सुखद बात है, कम से कम वो अभी खतरे से बाहर हैं। हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं वो तथ्य और एविडेंस जुटाने में लग चुके हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि जो विक्टिम है उनसे बात करें, उनका भी वर्जन जान लें। अपराधियों को टारगेट में कौन? देखिए गोली तो उनके ऊपर चलाई गई है सौरभ साहू, उनसे हम लोग बात कर लेते ताकि आगे और पता चल सके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।